विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज पंचकुला के गांव चंडी कोटला पहुंची। विकसित संकल्प भारत यात्रा का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने कर कमालों द्वारा किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल, उपायुक्त सुशील सारवान, अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खगनवाल, आयुक्त नगर निगम सचिन गुप्ता, संयुक्त सचिव ऋचा राठी, पार्षद राकेश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए विभिन्न स्टालों का अवलोकन किया तथा जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने सभी उपस्थित जन समूह को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। राज्यपाल ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभ के तथा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सावित्री बाई ज्योतिराव फूले के चित्र पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज सावित्री बाई फूले जी का 193वीं जयंती, वैसे ही आज इस कार्यक्रम में हमारे विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा, ये दो कार्यक्रम जो है आज देश में और अपने प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। विशेष करके सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने गरीब और वंचित पिछड़े हुए वर्गों में बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया और उन्होंने जिस परिस्थिति में अस्पृश्यता छू अछू जैसे वातावरण में भी एक समानता और महिला की जो है साधिकारिता को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प से काम किया है, संघर्ष जीवन जिया है। ऐसे सावित्रीबाई फुले जी आज महिला सशक्तिकरण का बहुत ही बड़ा एक केंद्र स्फूर्तिदायक है, उनको मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे ही आज जो केंद्र और राज्य सरकार इस विकसित भारत का जो जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों को गरीब से गरीब आदमी तक, नीचे आदमी तक पहुंचाकर देश में बेरोजगारी, गरीबी इसको दूर करने के लिए बहुत बड़ी प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प के साथ आगे बढ़े, जिससे बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही है और शिक्षितों की संख्या बढ़ते जा रही है। लोगों की स्वास्थ्य का भी बहुत ही बड़ा ग्राफ बढ़ रहा है। ये सारा इसका एक ही नतीजा है, देश में जितने जो स्कीम्स बनाए वो स्कीम गरीब और वंचित लोगों को केंद्रित करते हुए ही स्कीम को लाया गया। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर महिलाओं को, युवाओं को, गरीब और वंचित लोगों को भी बहुत से स्कीम्स लाए। ये सारे स्कीम अंतिम घड़ी का जो भी व्यक्ति है उस तक ये पहुँचाना चाहिए और इसमें बहुत ही पारदर्शिता रहना चाहिए और कहाँ भी जो है भ्रष्टाचार का मामला नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमारे अधिकारी और हमारे जितने भी NGOs है और हमारे जितने भी जो है प्रजा प्रतिनिधि है, सारे लोग इसमें भाग लेना चाहिए और वैसे ही इस आंदोलन को जन भागीदारी आंदोलन करना चाहिए। तब तक जनता का भागीदारी नहीं बनेगी तब तक सरकार का सेम भी सफल नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे ये संकल्प यात्रा बहुत ही अच्छा है
गांव गांव जाके लाखों लोगों को एक अवेयरनेस पैदा करना और उन लोगों में जो एक अपना भावना अपने देश के प्रति अपने राज्य के प्रति ये भावना निर्माण करना, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का निर्माण इसको शुरुआत करी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अयोध्या प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को लेकर भगवान श्री राम का मंदिर जी। अरे बहुत ही बड़ा 500 साल का संघर्ष का जो है एक विराम होगा, अपने भारत की पहचान और आध्यात्म के केंद्र और राम जन्मभूमि अयोध्या जो कहा जाता था, वो मंदिर का निर्माण होना 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारी जो दासी भावना, जो भी हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय संप्रदाय और भारतीय स्थिति को उच्च स्तर में लाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो सच्चाई, उनका जो वचन था सच्चाई और रामराज का पालन लाना, यही जो है आज के प्रधानमंत्री भी रामराज का निर्माण करना, इसलिए राम मंदिर का निर्माण शुरुआत हुआ है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, हर पौर हर व्यक्ति 22 जनवरी को अयोध्या गए या ना गए लेकिन अपने घर में दिया जलाकर एक नया वातावरण देश में निर्माण करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।